मेरे मेहरबान दोस्तों, तो इस तरह आज के शो में हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया श्रोताओं के साथ और स्टूडियो में मौजूद दर्शकों के साथ। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। कुछ बताना चाहेंगे ये चिल्ड्रंस डे जो है क्या महसूस करते हैं, हाउ यू यूज्ड टू सेलिब्रेट, आप बताइए। मेरा नाम मुनीश सहगल है, मैं जनकपुरी में रहता हूँ जी। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है ममता सहगल। बचपन की यादें ये हैं कि हम वो स्कूल में टॉफी गोली मिला करती थी, वो ज़माना तो वही था जी। और बाद में सुबह वो असेंबली में एक नेहरू जी की याद में कुछ गाया जाता था, तो आज प्रॉबली थिंग्स आर डिफरेंट। आप राज कपूर साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चे ऐसे ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते हैं, और आजकल तो थोड़ी हम लोगों में प्रॉस्पेरिटी आ गई है हमारे देश में, तो प्रोग्राम्स भी उतने प्रॉस्पेर होते जा रहे हैं। और मैं इस मौके पर अपना बचपन को याद ना करके अपने जो आप के जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ में मैं अनु जी को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा कि कोई शेयर करते हैं हमारे साथ में अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को जिस खूबसूरती के साथ शेयर करते हैं, निश्चय ही उसका बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर उसका लाभ मिलेगा। हमारा तो काम है हम अपने बच्चों को जो कुछ भी दे के जाएं वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ताकि हमारे बच्चे पूरे विश्व में ना सिर्फ अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। बचपना एक ऊर्जा का नाम है। बचपने का मतलब पता है क्या है? लॉट ऑफ एनर्जी। मैं सीखना चाहता हूं, वो जागरूकता है, वो जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा जिस दिन मरने लगती है ना, उस दिन आदमी खत्म होने लगता है। मुझे निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा है कि बचपना कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हर पल हर शख्स हादसा होने से डरता है, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ठीक है, हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ना सिखाएं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसी अंग्रेजी बोलें कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वाले भी कहें कि हिंदुस्तान के बच्चे क्या अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन साथ साथ सारे पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि जब बच्चा ऐसी अंग्रेजी बोलने लगे तो उसके पीठ थपथपाना और कोने में गोद में बिठा के कहना, बेटा संस्कृत के श्लोक ये हैं, ये भी सीख ले। क्योंकि जो आदमी अपनी मिट्टी को भूल गया वो कहीं का नहीं रहता है। अगर जीब्रा के शरीर से अगर पट्टियां हटा दी जाएं तो जीब्रा में और टट्टू खच्चर और गधे में कोई फर्क नहीं रह जाता। अपनी पहचान हमारी पहचान है भारत का होना, और अपनी पहचान बनानी है तो तुम्हें अपने रूट्स से जुड़ा होना पड़ेगा। मेरा काम यह है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।